लीजिए इस वक्त वेस्ट बंगाल बनाम आंध्र प्रदेश टॉस का सिक्का इस वक्त आंध्र प्रदेश टेल इज द कॉल एंड आंध्र ने टॉस जीतकर 24 कोर्ट लिया है। खेल शुरू इसी के साथ दो नंबर जर्सी में चला है वेस्ट बंगाल 49th जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 इस वक्त हैदराबाद में आयोजित है। कसानी कौशल्या मेमोरियल कबड्डी अकेडमी एंड स्वर्गीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत कबड्डी अकेडमी में आयोजित है। बोनस के साथ शुरुआत की वेस्ट बंगाल ने पहली रन से। इधर से खामोश आंध्र प्रदेश और अब 11 नंबर जर्सी में देखिए स्टार राइडर टेक्निकल पॉइंट जाता हुआ सीधा आंध्र प्रदेश को। शुरुआती समय में गलती यहां वेस्ट बंगाल की ओर से। शुरुआती समय 1-1 से स्कोर लेवल और 11 नंबर जर्सी में देखिए इस वक्त ऊंचा लंबा कद उदयमान खिलाड़ी में से एक। इधर से स्टार राइडर चली 6 नंबर में आंध्र प्रदेश की। देखते हैं कैसे आंधी तूफान पैदा करता है इस वक्त वेस्ट बंगाल के सामने। बंगाली टाइगर कम नहीं कहे जा सकते। पीछे मुड़ के देखा बोनस के लिए लेकिन शायद क्लियर नहीं। भाव भंगी माओं से यही कहा जा सकता है। मैं गजानन दोबड़ा पुनः आपका स्वागत करता हूँ एक बेहतरीन कवरेज के साथ हैदराबाद से। 12 नंबर जर्सी में इस वक्त जेब लेना। इस वक्त देखिए पॉइंट की तलाश मौका बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस वक्त बाएं कॉर्नर से। रेडर इस वक्त सेफ ही कम बैक प्रयत्न के तौर पे 8 नंबर में दो डाई रेड का संकट। थोड़ा सा दबाव आक्रामक डिफेंस को भेदने की कोशिश होगी इस समय आंध्र प्रदेश की। और यहाँ देखिए बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया लेकिन लक्ष्य तक पहुँचते हुए आंध्र प्रदेश के ये तूफान रेडर 2-3 पॉइंट होंगे। जी हाँ 2 पॉइंट आंध्रा के अंगना में। अब 3-1 से आगे आंध्र प्रदेश। और ये देखेगा 2 पॉइंट इधर भी वेस्ट बंगाल के बंगाली खाड़ी में। रोमांचक मैच निश्चित रूप से जो खेला के बढ़ेगा इसका रोमांच कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देगा। पिछले मैच में आपको बता दें साई की टीम ने तमिलनाडु को रोमांचक मैच में पराजित किया 14 अंकों से। मिनी की कप्तानी में साई ने क्या गजब का प्रदर्शन किया और साइड लाइन से बाहर भेजा रेडर आउट। माफ कीजिए लक्ष्य तक पहुंच गई। रेडर आउट और यहाँ पॉइंट का इशारा आंध्र प्रदेश की ओर किया गया जबकि रेडर बाहर हैं इस वक्त। 49th जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप मन वाचपल्लीलो जरूरत सच इकड़े मैचेस चूस्तुन्नारु। थोड़ा सा हौसला खोता हुआ शुरुआती समय में आंध्र प्रदेश तो वेस्ट बंगाल बंगाली टाइगर काफी बेहतरीन है। और यहाँ लाजवाब डिफेंस देखे चट्टान की तरह और उसको भेद नहीं पाया आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार का डिफेंस आई है सुपर टेकल में इस वक्त आंध्र प्रदेश। मुश्किलें बढ़ती हुई 9 नंबर में बंगाली रेडर। सांस लेना चाहिए था शायद लेकिन सुरक्षित वापस लौटना बेहतर समझा क्योंकि पहले आपका खेल तकरीबन 4 मिनट का उसमें वेस्ट बंगाल मजबूत। बोनस की कोशिश और शायद सफल होनी चाहिए बोनस लेकर घर वापसी लेकिन सुपर टेकल का संकट कंटिन्यू डू ऑर डाई जबकि सुपर टेकल भी तो रोमांचक रेड यहाँ इस वक्त है। प्रयासरत बंगाल इसमें ताकि ऑल आउट किया जाए जितना जल्दी हो सके एक दबाव बनाया जा सके। और ये देखिए कर्तव्य दिखाते हुए हवा में टटीरी मादा की तरह हवा में गोता लगाया और बटोर लिया एक अंक। शानदार बोनस का प्रयास और टच पॉइंट का भी
यहां एक नंबर को बाहर भेजने में कामयाब। बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 अंक का इजाफा। आंध्र प्रदेश भी इतना कमजोर नहीं कहा जा सकता और अब तक अच्छा सामना किया है चुनौती का। और यहां सुपर टेकल से ले दिया है 2 पॉइंट। आंध्र बढ़त को काटता हुआ मैच में वापस दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल के सामने। 49वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सेकेंड डे बालिका वर्ग में इस समय देखिए वेस्ट बंगाल बनाम आंध्र प्रदेश। इससे पहले साई और तमिलनाडु के बीच जो रोमांचक मैच खेला गया इसमें साई ने तमिलनाडु को पराजित करते हुए जीत दर्ज की। जबकि कल जो 2 मुकाबले खेले गए थे पहले मैच में हरियाणा ने जीत दर्ज की और दूसरे मैच में हिमाचल प्रदेश की बालिकाओं ने गजब कर डाला। हिमाचल प्रदेश से एक उभरती हुई कबड्डी टीम इस समय खासकर बालिका वर्ग में। और यहां टच पॉइंट, जी हां, 6 नंबर ने 9 नंबर को बाहर भेज दिया यानी 6 को उल्टा करेंगे तो 9 दिखाई देगा और 9 अब कोर्ट से बाहर भेज दिया। शानदार, बहुत ही उत्तम व्यवस्थाएं, इस प्रकार के आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। 5 के डिफेंस में इस समय आंध्र प्रदेश पूरे मौके की तलाश ताकि कैच किया जाए और बढ़त बनाई जाए, सुरक्षित वापिस लौटे। धूप का रुख तेज होता हुआ जबकि चैंपियनशिप का भी रुख रोमांच होता हुआ। प्रयासरत इस वक्त 8 नंबर जश्न आंध्र प्रदेश, इधर 4 का डिफेंस, 4 और 5 का डिफेंस है तो पलड़े लगभग बराबर। 2 और 2 रेड पे इस वक्त लॉबी के माध्यम से ही सही टच करने के बाद सही दिशा में आगे बढ़ी और पहुंच गई। आंध्र प्रदेश फिर से आगे बढ़ता हुआ 7 आंध्र प्रदेश जबकि वेस्ट बंगाल 9 2 अंक की बढ़त है बंगाल के पास। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, स्कूली बच्चे कुछ क्षण के लिए ये देखिए स्टूडेंट्स इस समय पूरा आनंद उठाते हुए। 11 नंबर जर्सी में इस वक्त वेस्ट बंगाल 4 के डिफेंस में, दबाव बनाने का प्रयास। ये स्टार रेडर साबित हो सकते हैं, डू और डाई रेड, तो दबाव रेडर के ऊपर देखते हैं आखिर। मौका है ब्लॉक करने का और छोड़ने वाला नहीं वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से बंगाल 10 में पहुंचता हुआ 2.5 अंकों में। लाजवाब डिफेंस जिसकी बदौलत अब 3 अंक की बढ़त बनाता हुआ। सुपर टेकल 3 का डिफेंस, फायदा उठाना चाहिए 12 नंबर जर्सी में, पूरा प्रयासरत है। और यहां साइड लाइन से बाहर बेहद दिया, स्वयं भी बाहर चले गए, दोनों टीमों को 1-1 अंक, अच्छा कार्य किया। ऊपर टेकल था इसलिए 2 पॉइंट गए हैं आंध्र प्रदेश को जबकि 1 पॉइंट वेस्ट बंगाल को, यानी 9-11 का स्कोर इस वक्त, सिर्फ 2 अंक की बढ़त बंगाल के पास। बंगाली टाइगर और कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड है इस बार, अच्छा कार्य किया साइड लाइन से बाहर भेजकर, बोनस जरूर अर्जित किया इसका मतलब 1-1 अंक दोनों ही टीमों के खाते में जाता हुआ 2.5 अंकों में जबकि 12 पे है बंगाल। सुपर टेकल मात्र 2 के डिफेंस में तो संकट बढ़ता हुआ मुश्किलों में इस वक्त। लाजवाब खेल का कौशल इस समय देश के कोने कोने से होनार लाडली बेटियां यहां पहुंची हैं अपना खेल दिखाने के लिए। दूसरा दिन चैंपियनशिप का और परवान के ऊपर
चैंपियनशिप टच पॉइंट का प्रयास, नहीं तो ऑल आउट का खतरा होगा। अच्छा संघर्ष, सेफी वापस, नौ नंबर में दो का डिफेंस, मुश्किलों में सीमांध्र प्रदेश। एक बार फिर से सेफ, मुश्किलें बढ़ते हुए धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के। अच्छा कवर करता हुआ इस समय देखिए, और यहाँ चट्टान को एक बार फिर से भेद नहीं पाया। 13वां अंक, ऑल आउट का खतरा, आत्मसमर्पण होगा यहाँ आसानी के साथ, क्योंकि एकमात्र डिफेंडर समय बिताने की कोशिश। जी हाँ, इसी के साथ ऑल आउट करता हुआ वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश को 3.16 पे पहुंचता हुआ। हाफ टाइम इस वक्त कोच के द्वारा लगातार कोचिंग यहाँ पे आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश हाफ टाइम के समय 16 का स्कोर कर पाया, जबकि वेस्ट बंगाल 17, एक अंक पीछे मामूली। सेकेंड हाफ लीजिए, इस वक्त आंध्र प्रदेश चला है पहला रेड लेकर, एक अंक जिस प्रकार से बढ़त बनाई पहले हाफ में वेस्ट बंगाल ने, कोई खास बढ़त नहीं कही जा सकती, 19-20 का अंतर, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बेहद रोमांचक मैच। मैच किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल। एक नंबर जर्सी में इधर से स्टार रेडर, और यहां लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, पहुंच गए आखिर, बड़ी रेड बंगाल की ओर से, 3 पॉइंट सुपर रेड, पहला ही रेड सेकेंड हाफ का। यहाँ डिसीजन चेंज किया गया है, जो 3 पॉइंट दिए गए थे टेक्निकल पॉइंट यहां आंध्र प्रदेश को, तीनों डिफेंडर सेफ है आंध्र की, और पुनः देखे टेक्निकल पॉइंट आंध्र प्रदेश को, जबकि 3 पॉइंट बंगाल को। खेल फिर से स्टार्ट, 6 नंबर में इसमें आंध्र प्रदेश मुकाबले में थोड़ा सा पीछे, बोनस का प्रयास, बोनस तक पहुंचता आंध्र प्रदेश। 11 नंबर में चले स्टार रेडर, बंगाल की टाइगर उभरती हुई, सुपर टेकल में आंध्र प्रदेश इस वक्त। आंध्र प्रदेश देखते हैं आखिर सुपर टेकल से बाहर निकल पाता कि नहीं। सेफ ही वापस, ये भी काफी आक्रामक रेडर मानी जाती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैच में पीछे इसलिए दबाव, और यहाँ बेहतरीन तरीके से फॉलो किया, वाह लाजवाब टेकल। एकता में शक्ति पेश की इस समय बंगाल ने, 11 नंबर में इस वक्त 2 का डिफेंस, मुश्किलें बढ़ती हुई। पहले हमें एक बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा था आंध्र प्रदेश को, हालांकि अच्छी वापसी की थी अंतिम समय में, उसके बावजूद दूसरे हाफ में पिछड़ता हुआ, पॉइंट गंवाया तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अच्छा नियंत्रण आंध्र प्रदेश के डिफेंडर का, दबाव पॉइंट वापस अर्जित करने का। बहुत ही सुहाना मौसम, खिली हुई धूप, और यहां कसाना साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस चैंपियनशिप को लेकर। डू और डाई रेड, जबकि सुपर टेकल भी, रोमांचक रेड इस वक्त, और यहां टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। गलतियों का फायदा उठाता हुआ बंगाल, ऑल आउट का सेकेंड टाइम खतरा। पंजाब उत्तरांचल फाइनल का अंतिम खिलाड़ी, और यहाँ लॉबी में, और एक पॉइंट आंध्र प्रदेश को बोनस के साथ। टच पॉइंट फिर से देखिए, बेहद मजबूती के साथ है, अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर इस वक्त। 3 अंक की बढ़त इसमें वेस्ट बंगाल के पास, 23 पे पहुंच चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश 20 पे। संघर्ष अच्छा है, पॉइंट अर्जित करने की कोशिश, और कमाल का आकाश, ढाई लगाते हुए बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन 3 पॉइंट इसमें जाते हुए बंगाल की खाड़ी में।
कुल मिला के दो बार ऑल आउट कर चुका है, दोनों हाफ में एक एक बार। बंगाल इस वक्त आंध्र प्रदेश को 26 पे पहुंचता हुआ और यहाँ एक और रंग गंवाता हुआ आंध्र प्रदेश दो नंबर की जर्सी से गलती। बोनस के साथ कुल मिलाकर दो अंक, 28-21 का स्कोर और अब 7 अंक की लीड। देखिए इस बढ़त का दबाव जो जो खेल आगे बढ़ेगा शायद बढ़ता ही जाएगा, बढ़त को काटने की कोशिश। 6 के डिफेंस में इस वक्त आंध्र प्रदेश, मौके की तलाश में बोनस का प्रयास। बोनस फिर से अर्जित किया, 29-29 पे पहुंचता हुआ वेस्ट बंगाल, जबकि 21 पे अटका हुआ है आंध्र प्रदेश। स्टार रेडर 6 नंबर में आंध्र प्रदेश इस समय संघर्ष करता हुआ, बढ़त को काटने की कोशिश। मध्यांतर में टच पॉइंट का दावा 2 नंबर को, लेकिन सुरक्षित वापस। ग्यारह नंबर में इस वक्त बंगाल, जोखिम उठाने की इतनी खास जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ मजबूत डिफेंस साबित करना चाहेगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि मुकाबले में थोड़ा सा पीछे है। ड्रो डाई रेड लेकर इस वक्त बोनस का प्रयास, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता क्लियर है कि नहीं, इसलिए चांस लेना ही होगा। और यहाँ बड़ी रेड हो गए, जी हाँ वाह, 2 पॉइंट के साथ वापस लौटे सुरक्षित आंध्र प्रदेश की उम्मीदें जिंदा। 23 पे पहुँचता हुआ एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले, बेहद जबरदस्त फाइट। बोनस अर्जित करने में कामयाब, और यहाँ लक्ष्य के बेहद करीब जाकर पीछे रह गई, इसलिए पॉइंट बंगाल की खाड़ी में। 31 पे पहुँचता हुआ वेस्ट बंगाल, वही 23-24 पे दिखाई दे रहा है इस वक्त आंध्र प्रदेश। टच पॉइंट फिर से अर्जित किया 11 नंबर में, जी हाँ 32, और जो लगभग 8 अंक की बढ़त बनाई है वो कम नहीं कही जा सकती, क्योंकि सेकंड हाफ का खेल भी ज़्यादा नहीं है। तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 पॉइंट का दावा किया है, जी हाँ बाहर जाना होगा 11 नंबर को। एक और बहुमूल्य अंक, लेकिन एक दो और बड़ी रेड चाहिए तभी वो मैच में वापस आ सकता है, या फिर डिफेंस मजबूत साबित करना होगा। एक बार फिर भी अगर किसी अंक के वेस्ट बंगाल वापस। 49वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 इस वक्त कसानी कौशल्या मेमोरियल कबड्डी चैंपियनशिप इस वक्त अंडर 19 जूनियर 2024 कसानी कबड्डी एकेडमी। और यहाँ लाजवाब था ही, और देखे वाह गजब का टेकल और बटोर लिया अंक आंध्र प्रदेश ने। आंध्रा की आंधी में एक और बहुमूल्य अंक, पांच के डिफेंस में, डिफेंस को कमजोर साबित करना चाहेगा आंध्र प्रदेश। बढ़त को तो कम किया कुछ हद तक, लेकिन अभी भी जो तकरीबन 7 पॉइंट की बढ़त दिखाई दे रही है वो कम नहीं कही जा सकती समय को देखते हुए। और वाह शानदार टेकल, लक्ष्य की तरफ बढ़ रही रेडर को रोकने में कामयाब, लोबी में दबोच लिया। वापस हौसले बुलंद आंध्र प्रदेश के, डोर डाई रेड, 4 का डिफेंस, एक बार उधर एक बार इधर, कहीं वापसी करता दिखाई दे रहा। यहाँ बड़ी रेड होगी 2 पॉइंट के साथ, वाह आंध्र प्रदेश वापस मैच में। 12 नंबर जर्सी से इस वक्त थोड़ा सा निराश होगा, पॉइंटर चाहिए नहीं तो ऑल आउट का खतरा बढ़ेगा। बोनस का प्रयास, यहाँ टच पॉइंट गंवा दिया शायद,
ये गलती इस आंध्र प्रदेश की क्रूशियल टाइम में, लेकिन सुपर टेकल वेस्ट बंगाल फायदा उठाना चाहिए। आंध्र प्रदेश को पकड़ मजबूत है, इसलिए अब छोड़ने वाला नहीं। सुपर टेकल से वेस्ट बंगाल को 2 पॉइंट। बंगाली टाइगर की अच्छी पकड़, एक बार पुनः थोड़ा सा मजबूत। 35 पे पहुंचता हुआ वेस्ट बंगाल, 28 पे आंध्र प्रदेश, 7 अंक की बढ़त है, काफ़ी बहुमूल्य, क्योंकि अब समय 5 मिनट से भी कम बचा है। 7 अंक की बढ़त, इस बढ़त को काटना मुश्किल होगा। डी लाइन को छूकर वापस फिर से वही रेडर पुनरावृत्ति पे। खेल कबड्डी का देश के कोने कोने से हिंदुस्तान की होनहार बेटियां इस वक्त अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, एडी चोटी का दम नहीं है कोई किसी से कम। और यहां अच्छा कार्य किया है, 29वां अंक जोड़ दीजिएगा इस वक्त आंध्र प्रदेश के खाते में। बढ़त को थोड़ा सा कम करता हुआ सुपर टेकल में इस वक्त वेस्ट बंगाल। अब यहाँ से पॉइंट अर्जित नहीं किया तो फिर वापसी की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। अगर पॉइंट बटोर लिया तो फिर बंगाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अच्छा नियंत्रण 3 के डिफेंस में, दबाव में सेफ ही वापस लौटना पड़ा इस वक्त आंध्र प्रदेश को। और यहाँ बेहतरीन टेकल किया हुआ, अच्छी पकड़, 30 पे पहुँचता हुआ, अब सिर्फ 5 अंक पीछे है मैच में। डुओडाई जबकि सुपर टेकल साथ में, 1 पॉइंट चाहिए यहाँ, फिर मुश्किलें बढ़ेंगे। और यहाँ ऑल आउट का खतरा, लीजिए पहली बार ऑल आउट किया है आंध्र ने बंगाल को। इसके साथ ही अब सिर्फ 2 अंक पीछे है आंध्र प्रदेश बंगाल से, तो यहाँ लेकिन बड़ी रेड इस वक्त 1 पॉइंट, आक्रामक थोड़ा सा दिखाई देता हुआ। 36-33 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त पे वेस्ट बंगाल, जबकि बोनस का प्रयास किया, क्लियर नहीं। जोखिम उठाने की कोशिश होगी आंध्र प्रदेश की कहीं ना कहीं, लेकिन बोनस के लिए प्रयासरत होगा ताकि स्कोर भी गतिमान रहे और जोखिम भी ना उठाना पड़े। बोनस के साथ पहुंचता हुआ 37 पे, अंतिम 3 मिनट का खेल बाकी, और इधर से बोनस अर्जित करने में कामयाब। 34-36 का स्कोर, बाहर जाना होगा, अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही 35 पे आंध्र प्रदेश, मुश्किलें फिर से बढ़ गई वेस्ट बंगाल के। रोमांचक होता लेकिन गजब का टेकल, वाह लाजवाब। 37 के ऊपर सिर्फ 2 अंक की बढ़त है वेस्ट बंगाल के पास, और देखते हैं इस बढ़त को जीत में बदल पाता कि नहीं। एंगल होल्ड कॉर्नर से 4 नंबर में आंध्र प्रदेश की आंधी और मैच में वापस। समय को ध्यान में रखते हुए दिल की धड़कनें तेज होती हुई दोनों ही साइड से, अंतिम 2 मिनट का खेल शेष, 1 अंक की मामूली बढ़त बंगाल के पास। टच पॉइंट की कोशिश, और यहां 1 अंक गंवाया है। जी हाँ, स्कोर लेवल पे पहुंचता हुआ बराबरी पर, और देखे कैसे तराजू की तरह मैच तुल गया है। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा दवा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। सेफी वापस, लगभग 1 मिनट का खेल बाकी, मैच किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल। पॉइंट का अंतिम 60 सेकंड का खेल लीजिए, क्या मैच टाई होगा या फिर आंध्र प्रदेश पलटवार करते हुए बाजी मारेगा। डी लाइन को छूकर डोर डाई रेड की प्रतीक्षा, डोर डाई में करोमरो की स्थिति, देखते हैं पॉइंट किसकी तरफ जाएगा। जिसकी झोली में पॉइंट होगा जीत की संभावना उनकी मजबूत होगी। और लाजवाब टेकल लीजिए, आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण अंक अर्जित करता हुआ। क्या यहाँ बढ़त पे है आंध्र प्रदेश, इधर से भी डोर डाई रेड, अगर ये रेड सफल रहती है आंध्र प्रदेश की
फिर वेस्ट बंगाल का मुश्किल होगा वापस लौटना, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं। टेकल जानदार है, वाह, इधर से भी पॉइंट अर्जित करने में कामयाब, बेहतरीन टेकल की बदौलत। इसी के साथ समय समाप्त लीजिए, इसके साथ ही मैच टाई हुआ है 39-39 स्कोर, और क्या बेहतरीन रोमांचक मैच रहा, गजब। कुछ देर के लिए आपको वापस ले चलते हैं, हैव ए ग्रेट डे।